वडाप्रधान मोदी दिवाळी पर अयोध्या जशे। दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेवा माटे वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी जवाना छे। पीएम मोदी रामलल्लाना दर्शन अने पूजा करशे, साथे ज राम मंदिर निर्माणनुं निरीक्षण पण करशे। खेडूतोना प्रश्नोने लईने भारतीय किसान संघना देखावो सामे आव्या छे। राजकोटमां खेडूतोना पड़तर प्रश्नो अंगे किसान संघनो विरोध, पोषणक्षम भावना कायदानो विरोध, चेकडेम रिपेरिंग, जमीन रीसर्वे अंगे पण विरोध। राजकोटमां कपासिया तेलना भावमां घटाडो, कपासिया तेलना डब्बामां रूपिया 50 नो घटाडो करवामां आव्यो छे। कपासिया तेलनी मांग घटता भावमां घटाडो थयो छे। सींगतेलना डब्बा भाव 2600 रूपया पहुंची गयो छे। महीना पहला कपासिया सींगतेलना भाव सरखा हता, हाल में कपासिया तेल नी मांग घटता भाव में घटाड़ो थयो। वडोदरा में जबरदस्ती धर्मांतरण केस में एसआईटी की तपास में केस में मोटा खुलासा। हवाला थी आवता पैसा मेळववा माटे मोडस ऑपरेंडी हती। दुबई ना मुस्तफा सागरित इमरान उर्फे राहुल नाम खुल्यो। इमरान रूपया 10 की नोट बताने हवालो लेते तो इमरान ज हवाला पैसा आंगड़िया में लेवा माटे जतो हतो। सलाउद्दीन फंडिंग थी भारत पाकिस्तान की सरहद पर 6 मस्जिदों बनावाई। राज्य में आगामी 2 दिवस अति भारे वरसाद की आगाही। अमदावाद सहित सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात में पड़े भारे वरसाद। 8 जगह पर एनडीआरएफ की टीम तैयार। गुजरात माटे सारा समाचार, नर्मदा डेम 50% भरायो। नर्मदा डेम की सपाटी में 24 कलाक में 1 मीटर वधारो। उपरवास में 74,846 क्यूसेक पानी की आवक। हाल में नर्मदा डेम की सपाटी 118.41 मीटर। राजकोट गोंडल में वरसाद वरस्यो छे। शहर अनेक विस्तारों में वरसाद की पधरामणी। गोंडल पंथक में वरसादी माहौल। जूनागढ़ सहित समग्र पंथक में धीमी धारे वरसाद। जिला में 1.5 થી 1 इंच सुधी वरसाद वरस्यो। वंथली तालुका में पण 1 इंच वरसाद नोंधायो छे। सारो वरसाद थता खेतर में उभा पाक ने जीवनदान। अमरेली जिला अनेक विस्तारों में वरसाद वरस्यो छे। अमरेली लाठी, दामनगर, लीलिया, धारी, बाबरा सहित विस्तारों में वरसाद। वरसाद ने पगले खेडूतों में खुशी नो माहौल। गीर सोमनाथ वातावरण में पलटो आव्यो छे। उना, कोडीनार, वेरावल, सूत्रापाड़ा सहित तालुकाओं में पड़ो 1 इंच जेटलो वरसाद। अन्य जगहों में छूटाछवाया झापटानी साथे थयो धीमी धारे वरसाद। बोटाद जिला में वहेली सवारथी ज वरसादी माहौल। भारे पवन की साथे गाजवीज साथे वरसाद। लांबा समय बाद वरसादना आगमन थी खेडूतों में खुशी। बोटाद जिला गढ़ा पंथक में थी सार्वत्रिक मेघमहर। वहली सवार थी पड़ेला मुशळधार वरसाद थी नदी नाळा छलकाया। भारे वरसाद ने पगले इतरिया गामनी नदी में पूर। नवसारी जिला में जाम्यो वरसादी माहौल। शहरी विस्तार सहित ग्राम्य पंथक में वरसाद आगमन। सार्वत्रिक मेघमहर थी वातावरण आह्लादक बन्यो। नवसारी जिला की जीवादोरी सामन जूज और केलिया डेम 90% भरायो। रात्रि दरमियान नवसारी खेरगाम में 1 इंच, जलालपुर गणदेवी में 1.5 इंच, वांसदा में 2 इंच और चेखली में 3 इंच जेटलो वरसाद। वरसाद बाद राज्य डेमों में पानी की आवक वधी। सरदार सरोवर में 48.45% पानी जत्थो। राज्य 207 डेम में 52.99% पानी जत्थो उपलब्ध। राज्यना 8 जलाशयों हाई एलर्ट पर मुकाया छे। 8 जलाशयों में 90% पानी संग्रह थयो छे। 9 जलाशयों में 80 થી 90% पानी संग्रह। 12 जलाशयों में 70 થી 80% पानी संग्रह। तो 177 जलाशयों में 70% पानी संग्रह। दक्षिण गुजरात खेडूतों माटे सारा समाचार। तापी में उकाई डेम में फरी पानी की आवक शुरू। उकाई डेम की सपाटी हाल में 333.4 फूट। उकाई डेम में पानी की आवक 58,579 क्यूसेक। उपरवासना डेमों में पानी छोड़ाता उकाई डेम में आवक शुरू थी गई है। महाराष्ट्र प्रकाश डेम 3 गेट खुलाया है। महाराष्ट्र हथनूर डेम 4 गेट खुलाया। गांधीनगर में आज राज्य सरकार की मळशे कैबिनेट की बैठक। भादरवी पूनम मेला आयोजन संदर्भे आ बैठक योजाशे। धोरण 1 થી 5 वर्गो शुरू करने अंगे की चर्चाओ थवानी शक्यता। सी आर पाटिले भाजप सहकारी सेल बोला बैठक। भाजपा मेंडेट पर लड़वा बोला आ बैठक। टोचना सहकारी क्षेत्र अग्रणी रहे आ बैठक में हाजर। बैठक में पीएम जन्मदिवस की उजवणी पर चर्चा थवानी शक्यता। बनासकांठा कांकरेज में जामपुरा पास बनास नदी में दीपड़ा हुमला। 2 व्यक्तिओ पर दीपड़ाए हुमला कर्यो। हुमला में 2 व्यक्ति घायल थे। इजाग्रस्तों ने सारवार अर्थे होस्पिटल खसेड़ाया।
સુરતમાં રખડતા શ્વાનનો આતંક, પાંડેસરામાં 9 વર્ષીય બાળકીને બચકા ભર્યા, શ્વાને બાળકીને 6 થી 7 બચકા ભર્યા છે, બાળકને પગ થાપાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી છે, રાહદારીઓએ બાળકીને શ્વાનના હુમલાથી બચાવી. અમદાવાદમાં લાંભાના ઇન્દિરાનગર વિસ્તારમાં ગટરના પાણી ભરાઈ ગયા છે. ડ્રેનેજનું દૂષિત પાણી ઓવરફ્લો થવાથી રસ્તા પર અને લોકોના ઘર આંગણે ગટરના પાણી ભરાયા. અનેક રજૂઆત છતાંય તંત્રના આંખ આડા કાન. પાટણમાં રાધનપુર નેશનલ હાઈવે પર પડેલા બિસ્માર રોડનું સમારકામ કરાવવામાં આવ્યું. સેવાભાવી યુવાનોએ સ્વખર્ચે રોડ પર પડેલા ખાડાઓનું સમારકામ કર્યું છે. બિસ્માર રોડના કારણે વાહન ચાલકોને પડતી હતી ભારે હાલાકી. રાધનપુર શહેરમાં પ્રવેશના માર્ગે સર્વિસ રોડ પર હતું ખાડાઓનું સામ્રાજ્ય. રાધનપુર ઓવરબ્રિજ પાસે પડેલા ખાડાઓને કારણે અનેકવાર અકસ્માત પણ સર્જાયા. વારંવાર રજૂઆતો કરવા છતાં નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીના આંખ આડા કાન. અમદાવાદની અનાથ બાળકીનો હવે અમેરિકામાં થશે ઉછેર. ઓઢવના શિશુગૃહ ખાતે 5 વર્ષની અર્પિતા નામની દીકરીને અમેરિકન દંપતી નાથન અને જેસિકાએ લીધી દત્તક. સમારોહમાં કલેક્ટર સંદીપ સાંકલે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. પોરબંદર સહિત ગુજરાતભરમાં માછીમારોની સરકાર પાસે માંગ. ડીઝલના ભાવમાં રાહત આપવા માટે માંગ કરાઈ. ડીઝલના ભાવને કારણે માછીમારોને મોટો ફટકો પડ્યો. એક બોટ ફિશિંગમાં રવાના થાય ત્યારે તેમને અંદાજિત 4.5 લાખ જેટલો ખર્ચ આવે છે, જેમાં 70% ખર્ચ માત્ર ડીઝલ પાછળ ખર્ચતા હોવાનું અંદાજ છે. બાકીની રકમ રાશન, બરફ અને માણસોના પગાર સહિત અન્ય ખર્ચમાં પણ વપરાશ. મોરબીના બાયપાસ રોડ પર ફાયરિંગની ઘટના સામે આવી છે. કારમાં આવેલા શખ્સોએ કર્યું છે ફાયરિંગ. 3 લોકો ઉપર થયું હતું ફાયરિંગ. ફાયરિંગની ઘટનામાં 1નું મોત, 2 ઘાયલ. જૂનાગઢના કેશોદમાં પત્ની અને પુત્રનું શંકાસ્પદ મોત. ગળે ફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મૃતદેહ મળી આવ્યો. હોસ્પિટલમાં બંનેને તબીબે મૃત જાહેર કર્યો. પત્નીને માનસિક બીમારી હોવાનું પતિએ જણાવ્યું. અમદાવાદના કણવામાં નકલી ઘીનું કૌભાંડ ઝડપાયું છે. બ્રાન્ડેડ કંપનીના નામે વેચાતું હતું નકલી ઘી. 4 લાખનું ડુપ્લિકેટ ઘી કબજે કરાયું. ઘી સાથે 3 લોકોની ધરપકડ. ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 70થી વધુ વેપારીઓ પાસેથી છેતરપિંડી કરનાર શખ્સની ધરપકડ. રાહુલે મગ, ચણા સહિતનો જણસીઓની ખરીદી કરીને પૈસા આપ્યા ન હતા. અંદાજિત 70 લાખથી વધુની કરી હતી છેતરપિંડી. રાહુલે ખરીદી બદલ કેટલાક વેપારીઓને આપ્યા હતા ચેક. માત્ર 6 મહિનામાં જ યાર્ડમાં પેઢી ખોલીને વેપારી બનેલો રાહુલ છેતરપિંડી કરી થયો હતો ફરાર. પોલીસ તપાસમાં વધુ કેટલીક છેતરપિંડીઓ બહાર આવે તેવી શક્યતા. ભરૂચમાં ટ્રકમાં આગ લાગી છે. અંકલેશ્વર રાજપીપળા ચોકડી પાસે આ બનાવ બન્યો. આગમાં ટ્રક બળીને ખાક થઈ ગઈ. આગ લાગવાનું કારણ અકબંધ. બાકરોલથી પગપાળા સંઘ અંબાજી જવા માટે રવાના થયું છે. પગપાળા સંઘમાં 70થી વધુ ભક્તો જોડાયા. સંઘના ભક્તો રસીના બંને ડોઝ લઈને પગપાળા યાત્રામાં જોડાયા. મહેસાણાની 16 વર્ષની તસનીમ મીરની ભારતીય બેડમિન્ટન ટીમમાં પસંદગી થઈ. થોમસ એન્ડ ઉબેટ કંપમાં ભાગ લેવા માટે ડેનમાર્ક જશે. તસનીમ મીર 19 સુધી બેડમિન્ટનમાં 6 વખત આંતરરાષ્ટ્રીય ટુર્નામેન્ટમાં ચેમ્પિયન બની ચૂકી છે. હરિયાણાના કરનાલમાં ખેડૂતોનું વિરોધ પ્રદર્શન સામે આવ્યું છે. થોડા દિવસ અગાઉ કરનાલમાં ખેડૂતો પર થયેલા લાઠીચાર્જના વિરોધમાં ખેડૂતો પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે. પશ્ચિમ બંગાળના નોર્થ 24 પરગણામાં ભાજપ નેતાના ઓફિસ પર હુમલો. ભાજપ નેતા અર્જુન સિંહના ઘરની પાસે તેમની ઓફિસમાં બોમ્બ ફેંકવામાં આવ્યા. રાજ્યપાલ ધનખડે ઘટના મામલે ચિંતા વ્યક્ત કરી. મોહન ભાગવતના મુસ્લિમો પ્રત્યેના નિવેદન બાદ દેશમાં રાજનીતિ ગરમાઈ ગઈ છે. મધ્યપ્રદેશના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી દિગ્વિજય સિંહ બોલ્યા છે, મુસ્લિમોના જન્મદરમાં સતત થઈ રહ્યો છે ઘટાડો. મુસ્લિમોની જનસંખ્યા એટલી નહીં વધી શકે કે તેઓ હિન્દુ બહુમતીને પછાડી શકે. જમ્મુ કાશ્મીરના રાજૌરીમાં પોલીસે મોટી માત્રામાં રોકડ રકમ જપ્ત કરી છે. નાર્કોટિક્સ સાથે જોડાયેલા એક કેસમાં પોલીસના હાથમાં 1.64 કરોડ રૂપિયાની રોકડ રકમ લાગી. ઉત્તરપ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં ડેન્ગ્યુના કેસ ચિંતાનો વિષય બન્યા. મોતના આંકડાઓમાં સતત થઈ રહ્યો છે વધારો. ફિરોઝાબાદમાં વધુ 7 લોકોના મોત. ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયાથી કુલ 94 લોકોના મોત. કાનપુરમાં ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયાનું પ્રકોપ. જિલ્લામાં ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયાથી 6 લોકોના મોત થયા છે. 2 મહિલા અને 4 પુરુષોના મોત થયા. લોકોમાં હાહાકાર મચી ગયો છે. જિલ્લામાં ડેન્ગ્યુના અત્યાર સુધી 62 કેસ નોંધાયા. ઉત્તરપ્રદેશના મોટાભાગના જિલ્લાઓમાં વાયરલ ફીવર અને મચ્છરજન્ય રોગોએ માથું ઉંચક્યું છે. ફિરોઝાબાદમાં હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની લાઇન લાગી છે. હોસ્પિટલ દર્દીઓથી ભરાઈ. ઉત્તરપ્રદેશમાં ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયાના વધતા જતા કેસને લઈને તંત્ર એક્શન મોડમાં. ફિરોઝાબાદમાં તંત્રએ લોકોમાં જાગૃતિ લાવવા માટે રેલીનું આયોજન કર્યું. રસ્તાઓ પર ફોગિંગ કરવામાં આવ્યું.
पश्चिम बंगाल नॉर्थ 24 परगना में वायरल झाड़ा उल्टी केस में वधारो थयो। महिला बाड़कों सहित अनेक लोग शिकार बन्या। झाड़ा उल्टी कारण बे महिलाओं मौत। ओडिशा में कोरोना की स्थिति ने लईने मुख्यमंत्री बैठक योजी। राज्य जिला कलेक्टर और आरोग्य अधिकारी साथ ऑनलाइन बैठक करी। ओडिशा में रोजना आवे 800 केस। ग्वालियर मुरूर ग्राम पंचायत में वेक्सिनेशन ने वेग पकड़ो। गामना तमाम लोगों कोरोना की रसी लई लीधी है। 100% रसीकरण थयानो ग्राम पंचायत दावो। मध्यप्रदेश गंतूर में विद्यार्थी साथ गैरवर्तणूक करता शिक्षक ने धोलाई। विद्यार्थी वाली और सगा वालाओं ने मड़ी ने शिक्षक ने चखाड़ो मेथी पाक। काश्मीर रहवासी आदिल तेलीए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड में स्थान मेळव्यु छे। काश्मीर थी लईने कन्याकुमारी सुधी साइकल चलावीने वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाव्यो। मात्र 8 दिवस में ज काश्मीर थी कन्याकुमारी पहुंच्या। 3600 किलोमीटर नो अंतर कापीने आदिल कन्याकुमारी पहुंच्या। 22 मार्चे सफर की शुरुआत करी और 30 मार्चे कन्याकुमारी पहुंची गया। साइकलिंग माटे अमृतसर में लीधी थी ट्रेनिंग। महाराष्ट्र औरंगाबाद में पूर बाद पाक ने भारे मात्रा में नुकसान थयुं छे। गोदावरी नदी पानी खेतरो में परिवर्ता पाक ने नुकसान। सैकड़ों हेक्टर जमीन पर पाक सड़ी गया। जिलाना खेडूतोए तंत्र की राह जोया वगर समीक्षा करवा लाग्या छे। तंत्र पाक नुकसानी नो सर्वे करवा आवे ए पहला ज खेडूतोए पोताना खर्चे ड्रोन कैमरा थी पाक नुकसानी नो वीडियो बनावीने तंत्र पासे थी सहाय नी मांग करी। मोहाली में राजस्थान कलाकारों बनावे गणेश की मूर्तिओ। दर वर्षे गणेश चतुर्थी पर राजस्थान थी आवे छे कलाकारों। आ वर्षे मूर्तिओनु वेचाण थाय तेवी कलाकारों ने आशा। उत्तर प्रदेश वाराणसी में कलाकारों गणेश की मूर्तिओ बनावामां लाग्या छे। आवती काले छे गणेश चतुर्थी। उत्तर प्रदेश में मूर्तिओनु वेचाण थाय तेवी कलाकारों ने आशा। तालिबानीओए नवी सरकार की घोषणा करी। अफगानिस्तान में 6 महीना माटे अंतरिम सरकार की घोषणा। मुल्ला हसन अखुंद प्रधानमंत्री बन्या। बराजर ने उप प्रधानमंत्री नो पद मळ्यो। तालिबानी प्रवक्ताए स्पष्ट कर्यु छे कि तालिबानी आ अंतिम सरकार छे अने मात्र 6 महीना माटे ज बनावाई छे। सिराजुद्दीन हकानी ने अफगानिस्तान ने गृहमंत्री बनावाया छे। मुल्ला याकूब रक्षामंत्री तरीके नियुक्त कराया छे। अलहाज मुल्ला फजल्स ने नवा मिलिट्री चीफ बनाया छे। तालिबानी सरकार में सौथी सर्वोच्च पद प्राप्त करनार मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद नो नवो फोटो सामे आव्यो, जेमां ते केटलाक तालिबानी साथे बैठेला जोवा मळ्या। मेक्सिको में भयंकर भूकंप आव्यो छे। भूकंप एटलो जोरदार हतो के तेना कारणे मेक्सिको सिटी में इमारतो डोलवा लागी। लोको रस्ताओ पर दौड़ी आव्या। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.1 मापवामां आवी। अमेरिकी एजेंसीए सुनामी की चेतवनी आपी छे। भूकंपनुं केन्द्र दक्षिण मेक्सिको में 12 किलोमीटर नीचे नोंधायुं। भूकंप बाद ठेर ठेर रोड रस्ता पर वृक्षों और थांभला धराशायी थया। मोटी इमारतों में पण मोटा प्रमाण में नुकसान थयुं, जो कि मोटी जानहानिना समाचार नथी। वेलकम बैक समाचार सुपरफास्ट में आगे बात करिए। देश में कोरोना ना केस में घटाड़ो नोधायो छे। छेल्ला 24 कलाक में 37,875 नवा केस नोधाया, तो 369 दर्दीओना मौत निपजा। देश में 3,84,000 थी वधु एक्टिव केस। केरल में कोरोना वायरस 25,772 नवा केस सामे आव्या छे। छेल्ला 24 कलाक में 189 लोकोना मौत निपजा। केरल में हाल में 2,37,000 थी वधु एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना 3,898 नवा केस नोंधाया छे। छेल्ला 24 कलाक में 86 दर्दीओ मौत ने भेट्या। महाराष्ट्र में हाल में कोरोना 47,000 थी वधु एक्टिव केस। कर्नाटक में 851 नवा केस सामे आव्या छे। 15 दर्दीओना मौत निपजा छे। कर्नाटक में हाल में 17,000 थी वधु एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना 1,544 नवा केस नोंधाया। 19 दर्दीना निपजा मौत। तमिलनाडु में हाल में 16,000 थी वधु एक्टिव केस। राजधानी दिल्ली में कोरोना 50 नवा केस सामे आव्या छे। छेल्ला 24 कलाक में 1 दर्दीनु मौत निपजू। दिल्ली में हाल में 386 एक्टिव केस। राज्य में कोरोना केस में सतत घटाड़ो नोंधायो। 24 कलाक में 18 केस नोंधाया। 21 लोग रिकवर। कोरोना थी आज एक पण मौत नहीं। वडोदरा में कोरोना 2 केस नोंधाया छे, जयरे सूरत में 3 केस नोंधाया। अमदावाद में 7 केस। नवसारी में गरबा क्लास नो वीडियो वायरल। चिखली ना नटराज डांस स्टूडियो ना वीडियो वायरल। कोरोना काल में डांस संचालकों बेफाम बन्या छे। हॉल में 1,000 थी वधु लोग भेगा थया। संचालके वाड़ी में लोगों ने भेगा करीने लोगों ना जीव जोखम में मुक्या। 1,000 थी वधु लोगों ने भेगा करीने नियमों ना कर्यो भंग। न मास्क न सोशल डिस्टन्स नियमों नो भंग थयो।
राज्य में बाळको गुम थवानी घटना में सतत वधारो थयो छे। 50,000 मांथी 2,402 बाळको हजु पण लापता। सूरत में बाळको गुम थवानी घटनाओं में प्रथम नंबरे। राज्यना मत्स्योद्योग अंगे सरकारनो महत्वपूर्ण निर्णय। माछीमारोने अपाती डीजल सबसिडी हवे ऑनलाइन मळी जशे। हवे माछीमारोना खातामां सीधी जमा थशे आ सबसिडी। सरकारना निर्णयथी 10,000थी वधु माछीमारोने सीधो लाभ थशे। माछीमारो माटे सरकारनो संवेदनशील निर्णय। अगाउ बिलो मेन्युअली चूकवाता हता। मेन्युअली प्रथामां समय अने पैसानो थतो हतो बगाड। अमदावाद में गणेशोत्सव अंगे पुलिस नु जाहिरनामु। 10-19 सप्टेम्बर सुधी में महोत्सव अंगे गाइडलाइन जाहिर कराई। गणेश स्थापना लाउडस्पीकर वगाड़वा माटे पुलिस नी मंजूरी जरूरी। गणेश पंडाल शक्य एटलो नानो राखवा माटेनी सूचना। कोरोना गाइडलाइन मुजब दर्शन करवाना रहेशे। पूजा आरती प्रसाद सिवाय कोईपण कार्यक्रम पर प्रतिबंध। विसर्जन समय सरघस ने पण मंजूरी लेवी पड़शे। गिरमां सिंहना अकाळे मृत्यु अंगे हाईकोर्टमां सुनावणी थई। हेमांग शाह द्वारा हाईकोर्टमां रजूआत कराई। रेलवे लाइन, वीज लाइन, गैस लाइन थी विपरीत असर थवानी रजूआत करी। हेमांग शाह की रजूआत पर हाईकोर्टनुं अवलोकन। कह्युं के अभयारण्य वन्यजीवोना रक्षणनी जवाबदारी सरकारनी। हाईकोर्टे केन्द्र सरकार, राज्य अने रेलवे विभाग ने रिपोर्ट रजू करवानो आदेश कर्यो। भावनगर में माता अने बे बाळको तणाई गया। पालीताणाना मोटी राजस्थळी रोड पर आ घटना। एक्टिवा पर माता बे बाळको ने स्कूले मुकवा जती हती। घटना में माता नो बचाव थयो छे। पुत्र अने पुत्री नी शोधखोळ। अमदावाद शहर में डेंग्यू, मलेरिया, चिकनगुनिया जेवा मच्छरजन्य रोगोए माथुं उचक्यु। आ रोगोना कारणे ब्लड बैंकों में प्लेटलेट्स की 25% की मांग वधी गई छे। एएमसी हॉस्पिटल में प्रतिदिन 2,500-3,000 दर्दीओ आवता होवानुं स्वीकार्युं। वडोदरा में मच्छरजन्य और पाणीजन्य रोगचाळाए माथुं उचक्यूं छे। शहर में डेंग्यू 48 केस, जाड़ा उल्टीना 170 केस, तावना 771 दर्दी मळ्या। एसएसजी हॉस्पिटल में ओपीडी में एक दिवस में 515 दर्दी नोंधाया। बोटाद जिल्लाना 61 गामों में 100% वेक्सिन की कामगीरी पूर्ण करवामां आवी। समग्र जिल्ला में 63% लोकोए कोरोना वेक्सिनो प्रथम डोज लीधो। जिल्ला में डोर टू डोर लोकोने समझावीने वेक्सिन आपवामां आवी रही छे। बोटाद जिल्लाना तमाम क्लास वन अधिकारियों ने एक एक पीएचसी सेंटर सौंपाया। अधिकारियों रात्रि वेक्सिन और डोर टू डोर लोगों ने समझावीने वेक्सिन की कामगीरी में लागी गया छे। लोकोए पण अधिकारियों ने सहयोग आप्यो। कोरोना की संभवित त्रीजी लहर की तैयारी। राज्य में ऑक्सीजन की पूर्ति ने लईने आरोग्य अधिक मुख्य सचिव मनोज अग्रवाले आप्यु निवेदन। राज्य में 1,800 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की व्यवस्था उभी कराई छे। पीएम केयर फंड और राज्य सरकार सहयोग थी 500 ऑक्सीजन प्लांट स्थापवानुं आयोजन। जिला 21 सीविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांटनुं काम पूर्ण थई गयुं छे। जिला और तालुका सीविल हॉस्पिटल में 3,500 ऑक्सीजन सिलिंडर की व्यवस्था कराई। बनासकांठा में कुपोषित बाळकों की संख्या सौथी वधारे। दाता और अमीरगढ़ अंतरियाळ विस्तार में शिक्षण और जागृति अभाव ने कारण बाळकों और महिला कुपोषित। बनासकांठा अंतरियाळ विस्तार में रूढ़िचुस्तता ने कारण जागृति अभाव। महिला और बाळक ने पूरतु पोषण मिली रहे ए माटे सरकार की अनेक योजना। सरकार की लाखों रूपया की ग्रांट निष्फळ। बनासकांठा देवदर में मकान की दीवाल धराशायी थता मजूर नु मौत थयुं छे। रेलवे स्टेशन विस्तार की वर्षो जूनू आ मकान तोड़वानी कामगीरी चालती थी। ए दरमियान आ घटना बनी। देवदर पोलिस घटनास्थले पहुंची वधु तपास करी रही छे। अमदावाद क्राइम ब्रांचे फरार रीढ़ा गुनेगार गौरव चौहान ने करी धरपकड़। आरोपी अमदावाद में गैरकायदेसर कॉल सेंटर खोली ने विदेशी नागरिकों की साथे छेतरपिंडी करतो हतो। गौरवना माथे हत्या सहित 12 वधु गुना रजिस्टर्ड। तो समाचार सुपरफास्ट में अत्यारे बस आटलू ज। वधु समाचार माटे आप जोता रहो न्यूज 18 गुजराती। नमस्कार।